शेखर सुमन जी जो फिल्म एक्टर भी है, वो तो फिल्म के एक्टर है, लेकिन मैं अपार्टमेंट एक्टर हूँ। क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में एक्टिंग करनी पड़ती है, हमारे जब चुनाव आता है तब हमारी एक्टिंग अलग होती है। नरेंद्र मोदी जी का मेरे संबंध इतने अच्छे हैं कि आज तक नरेंद्र मोदी जी ने किसी को हंसाया नहीं है, लेकिन मैंने हंसाया है। वो कभी हंसे नहीं है, लेकिन जब मैं बोलने के लिए उठता हूँ तब मैंने उनको हंसाया है, और बहुत बार राहुल गांधी को हंसाया है। भाई कवि रामदास अठावले जी के लिए जोरदार तालियां एक बार बजाएं। अठावले साहब ने कैंसर के ऊपर जितना कुछ बोला और जहां तक बोला, मुझे नहीं लगता कि कैंसर के बाप के लिए भी हिम्मत हुई कि इनके इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द वो आ सके। और सबसे अच्छी बात है आपका जो सेल्फ कन्फेशन है, जो आपने कहा कि उसके लिए इनको ऑस्कर की उपाधि दी जानी चाहिए, ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। बिकॉज हम लोग एक्टर कभी पकड़े भी जाते हैं बुरी एक्टिंग करते हुए, कभी नहीं पकड़े गए। और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि इन्होंने मोदी जी को हंसाया और राजीव जी को, राहुल जी को फंसाया। ये कला कहां से सीखी आपने, हंसाने की और फंसाने की? चलिए शुक्र है किसी बहाने मोदी जी हंसे तो। और मुझे पूरा यकीन है कि जब मोदी जी हंसेंगे तो पूरा हिंदुस्तान भी हंसेगा, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आएगी। थैंक यू सो मच।